इधर बिहार में सरकारी बंगले को लेकर संग्राम छिड़ गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ रेणु देवी को नोटिस जारी कर 30 गुना जुर्माना जमा करने को कहा गया है। साथ ही बीजेपी के कई पूर्व मंत्रियों को भी नोटिस जारी किया गया, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में सरकारी बंगले को लेकर संग्राम। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नोटिस। बीजेपी के कई पूर्व मंत्रियों को भी जारी हुआ नोटिस। भवन निर्माण विभाग ने जारी किया नोटिस। बिहार में सरकारी बंगले को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बंगले को लेकर हो रही ये सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसके जद में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी आई है। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर दोनों पूर्व डिप्टी सीएम को 30 गुना ज्यादा किराया वसूलने का फरमान जारी किया है। मैं कहना चाहती हूं कि 3 नंबर हार्डिंग रोड जब तक खाली नहीं होगा मैं कहां जाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने व्यक्त किया है पूजा करने के लिए, तो मैं नीचे का आप देख रहे हैं कि पूरा कमरा खाली है। 2 कमरा हमने खाली कर दिया था, ठीक है, नहीं हुआ। फिर हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि हम और भी आगे, जैसे वो खाली होगा वैसे हम चले जाएंगे। लेकिन मुझे दुख तब हुआ कि जब नवंबर में मेरे पास नोटिस आया कि प्रत्येक महीना 30 गुना एक्स्ट्रा लगा के आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा 2,36,000 रुपया। तो मैं सरकार से पूछती हूँ कौन सा न्याय है? अगर आपने मकान दिया और मैं MLA हूँ, उप मुख्यमंत्री थी, ठीक है, आज मैं MLA हूँ, तो मकान खाली होगा तभी तो मैं जा सकूंगी। ये मकान 18 नवंबर कल के दिन में खाली हुआ है। वही इस मामले में मंत्री अशोक चौधरी के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, तो वहीं RJD ने भी रेणु देवी के बयान पर तंज कसे हैं। देखिए, ऐसे प्रोविजन होता है ना कि आप मैक्सिमम आप किसी मकान को, उनको एज ए मंत्री मिला था मकान, और उसका प्रावधान है कि 3 महीने तक कोई व्यक्ति को मकान खाने के लिए स्पेस दिया जाता है, और उसके बाद भवन निर्माण विभाग ने का एक कैबिनेट का निर्णय है कि अगर मकान खाली उसके बाद नहीं किया जाएगा तो मार्केट रेट से 30 गुना ज़्यादा उनसे रेंट लिया जाएगा। जब नोटिस सर्व हुआ है तब एहसास हो रहा है कि हाँ, हमारे साथ इस तरह का बात हुआ, हमको नोटिस मिल गया। कानून के दायरे में कोई नोटिस, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम विंडिक्टिव होकर के रेणु जी को हमने नोटिस भेज दिया है। ये तो प्रावधान है, कानून में प्रावधान किया गया है, कैबिनेट से उसके माध्यम से दिया गया है। और आपको जो मकान है लौट किया गया है, जिसको आपने मांगा था मकान लौट हो गया, आप बोले हम छठ के बाद खाली कर देंगे, आप बोले हम उसके बाद, अब आप खाली नहीं कर रही, तो जो 3 महीने के बाद का जो प्रोविजन है उस पर अब नोटिस सर्व हुआ। माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, आज जो आप अपने आवास, अपने घर के लिए जो आप लड़ रही हैं कि रेंट टेंट पे रह लेंगे, अच्छा तो ये होता कि अगर आप पे इतना भी आत्मसम्मान होता तो आप टेंट के बजाय रेंट पे चली जाती। अरे कम से कम आज जो आप अपने घर के लिए विपक्ष से लड़ रही हैं, आप आम जनता के घर के लिए अपनी सरकार से कम जो हाउसिंग फॉर ऑल था, जो सभी घर को 2022 तक छत देने की बात जो मोदी जी ने कही थी, वो आप अपनी सरकार से लड़ करके दिलवा देती तो शायद आप अमर हो जाती।